हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलो आज बनाते हैं हम बैंगन। मैं बनाने जा रही हूँ भरवा बैंगन, और बघारे बैंगन भी बोलती हूँ, और बहुत ही मसालेदार, बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं बैंगन जल्दी से, फटाफट से। ये छोटे बैंगन हैं जो मैंने लिए, ये धुले हुए हैं, धो के मैंने रखे हुए हैं। अब मैं बताती हूँ मसाला बनाएंगे हम सबसे पहले इसके लिए। सबसे पहले मैं एक चम्मच सौंफ को ना हल्का सा दरदरा सा पीस लूँगी, सिर्फ इसका अरोमा रिलीज करना है इसलिए। तो मसाले मिक्स करने हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, ये डेढ़ डाला मैंने, और थोड़ा सा गरम मसाला, जरा सी मैं इसमें हींग डाल रही हूँ, और जो हमने ये जो करा हुआ ना दरदरा करके, ये पीस ना नहीं भी पीसे ना तो जब आप दरदरा करोगे ना, कुछ एक चीजें वो नीचे जो हो जाएंगी ना पीस जाएंगी, वो ही इसको अच्छा सा अरोमा दे देंगी। इंस्टेंटली पीसना इसीलिए होता है कि वो अरोमा अच्छा रिलीज होता है। पीस के भी रखी हुई है बट वो खुशबू नहीं आती, इसलिए मैं फ्रेश पीसती हूँ। ये मिक्स किया, अब रह गया बस आमचूर। इन सब में मैंने मसाला भर लिया। अब आपको तेल डालना है सबसे पहले पैन में। प्याज डाल देंगे इसमें, इसको थोड़ा सा हमें एक दो मिनट प्याजों को पहले थोड़ा सा भूनना है, क्योंकि जो लहसुन अदरक है थोड़ा सा वो बारीक है ना, तो दोनों की कटिंग में थोड़ी सी डिफरेंस है कि ये थोड़ा सा मोटा है, हमें तड़के की तरह काटा है, वो हमने कूटा हुआ है, तो क्या होगा कि वो जल्दी ब्राउन हो जाएगा और ये नहीं होगा, तो इसलिए हमें एक दो मिनट रुकना है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक डाल दूंगी, आपको एक डेढ़ मिनट मैंने इसको भून लिया, और सिर्फ हमें लहसुन अदरक ही ज़्यादा ब्राउन करना है, बाकी जो है सारा मसाला जब हमारे बैंगन पकेंगे ना तो साथ के साथ वो फ्राई भी हो जाएगा, बहुत अच्छा सा मसाला बन जाएगा। अब हमें इसको ब्राउन करना है एक साथ, और इनमें जो हमें प्याज की तरफ नहीं देखना, हमें लहसुन अदरक को ब्राउन करना है, जब वो हो जाएगा तब हम इसमें टमाटर डालेंगे। देखो ये जो है प्याज और वो भी होने शुरू हो गए थोड़े थोड़े, और लहसुन अदरक भी ब्राउन होने लगे, बस सिर्फ कुछ सेकेंड्स का ही रह गया फर्क। और ये जो सब्ज़ी है ना, ये मैं ये रेसिपी मेरी मदर इन लॉ की है, वो इस तरह से जो बैंगन है ना वो ऐसे बनाते हैं मसाले वाले बैंगन, तो वो बहुत अच्छे बनाते हैं, तो ये मैंने उनसे ही सीखी थी। थोड़ी बहुत मैं अपनी एडिशन करती हूँ बट बेसिक रेसिपी उनकी है, वो इस तरह से ये मसाले में बनाते थे, तो ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। खाली जब सूखे मसाले में बनाते हैं वो भी अच्छे बनते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो कुछ भी सवाल नहीं उठता, अच्छे हैं ये। मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर है वो डाले, साथ
साबुत हरी मिर्ची डालती हूँ। और साबुत मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि जो मेरी बेटी है वो खा लेती है सब्जियाँ, पर ज़्यादा मिर्ची नहीं खा पाती, तो मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा नहीं खा लेता मिर्ची। हम लोग ऐसे साबुत रख लेती हूँ कि जिसको खानी हो वो इस तरह से सब्जी में से खा लेंगे, और ये अच्छी भी लगती है खाने में ना बहुत, तो मैं ऐसे काट के नहीं डालती। पहले ये जो मसाला है ना सारा नहीं डलेगा, हम थोड़ा सा ये 2 चम्मच मसाला इसमें डाल देंगे, और अगर कुछ कमी लगेगी ना हल्दी की तो हम एक्स्ट्रा और ऐड कर सकते हैं। अब आपको कलर पता चल ही जाएगा, नमक और हल्दी वो बाद में थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है, बाकी हमें और अभी कुछ नहीं डालना, कुछ लास्ट में डालना होगा वो मैं आपको बता दूँ। अभी इसको बस कच्चापन दूर करने तक हम भुनेंगे, फिर हम बैंगन इसमें डाल देंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे मसाला अपने आप पक जाएगा। थोड़ी कलर वाली मिर्ची है ये देगी नहीं है, थोड़ी कलर वाली होती है वो मैं, ये हमारी यहाँ की लोकल ही होती है, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है, सिर्फ कलर के लिए मैं इंस्टेड ऑफ जो भी देगी मिर्ची है ना जो यहाँ की मिलती है हमारे मतलब यूरोप में या बार्सिलोना में जिसमें रहती हूँ, तो जो यहाँ की लोकल स्टोर से मिलती है ना मैं वो यूज़ कर लेती हूँ वो। हम बैंगन जो है इसमें ऐसे छोड़ देंगे, क्योंकि बैंगन जो है इसमें बाहर भी हमें मसाला मिलेगा और अंदर भी वो फीके फीके नहीं आएंगे, आपको अंदर तक वो मसाले के साथ रच जाएंगे। और पानी मैं नहीं डालती, पानी बिल्कुल नहीं डालना आपको, आपको स्लो इसको इस तरह से ढक देना है हमें, देखो मिडल में है ये, अभी मसाला भी आप देखो कलर भी कितना अच्छा आ रहा है, मेल्ट हो जाएगा ये एकदम, इसके साथ मर्ज हो जाएगा बैंगन के साथ। तो अब मैं फिर से इसको ढक रही हूँ और थोड़ी देर हम पकाएंगे इसको ढक के। और ये हमारे बहुत ही टेस्टी मसालेदार बैंगन तैयार है, और अगर आपको अच्छी लगे मेरी रेसिपी तो आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छी रेसिपीज लेके आऊँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।